फिर तो रसीद का जो संगम जो है अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि पुना को का रहता है, माँ गंगा को ज्ञान का स्वरूप माना जाता है और सरस्वती वैराग्य का स्वरूप है, तो कर्म ज्ञान और वैराग्य की जो त्रिवेणी है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से न केवल मानव धरा को पतित पावन बनाती रही है, बल्कि ये प्रजापति क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग की भूमि का जो कण कण है वो पावन है। सृष्टि के उद्भव और विकास की नींव की जो शुरुआत यहाँ पर हुई, न केवल ब्रह्मा जी जबकि उसके बाद कई सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर आकर के तपस्या की, गौतम बुद्ध, महावीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, तीर्थंकर ऋषभ देव, श्री रामानंदाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, इस सबकी तपोभूमि है प्रयाग। और आज जिन कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना है उसमें अक्षयवट का कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अक्षयवट को आम जनता के लिए खोला था, पहले ये आम जनता के लिए खुला नहीं था, अब इसको एक भव्य कॉरिडोर से सजा दिया गया है। और अक्षयवट के जिस कॉरिडोर की जो महिमा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में और सृष्टि के अंत में ही ये अक्षयवट हमेशा रहता है। और वटस्थ पटस्थ पुत्र शयानम यानी भगवान माधव यहाँ पर इसी अक्षयवट के पत्र पर निवास करते हैं, अपने अंगूठे का अपान करते हुए। ये स्वयं अक्षयवट इतना महिमावान है, जया कि भगवान शंकर स्वयं नजर आते हैं, और जब तांडव करते हैं भगवान शंकर तो अपने सखा वहाँ के माधव, जो कि द्वादश माधव यहाँ पर कहे जाते हैं, वेणी माधव जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, और द्वादश माधव यहाँ की हमेशा रक्षा किया करते हैं। तो यहाँ पर जो आज 5000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना है, उसमें 1600 करोड़ रुपए की रेल की परियोजनाएं हैं, साथ ही साथ यहाँ के 29 तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार किया जाना है, 11 कॉरिडोर्स बनाए जाने हैं, 7 स्नान घाट बनाए जाने हैं, और इसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री आए हैं, इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है, और सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर जल पुलिस और स्थल पुलिस तैनात है, 50,000 से ज्यादा बटालियन यहाँ पर इस पूर्ण कुंभ को स्वस्थ कुंभ बनाने के लिए, सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए, दिव्य कुंभ बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से संपन्न नजर आ रहा है दिव्य कुंभ की तैयारी के लिए। अजय आप हमारे साथ बने रहिए, अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, दुनिया भर से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को एक विशिष्ट अनुभव मिले कुंभ में हिस्सा लेने के लिए, इसके लिए तमाम योजनाओं को मूर्त रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आगमन वहां पर हो गया है, रिवर क्रूज की झलक हमने पहले देखी, अब विशेष पूजा अर्चना में भी शिरकत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस तरह से पूरी तरह से तैयार इस वक्त नजर आ रहा है प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के लिए? अश्विनी, इस समय साक्षी बन गई है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व बंधु के स्वरूप में प्रयागराज की कुंभ का आयोजन, कुंभाभिषेक कर रहे हैं, त्रिवेणी की पूजा कर रहे हैं, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की अर्चना कर रहे हैं, और साथ ही साथ समूचे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के इस महापर्व में शामिल होने के। कि किस तरीके से सनातन संस्कृति शाश्वत गंगा में और सरस्वती की भव्य तरह पूरी दुनिया को शांति, सुख और सौहार्द का संदेश देती है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ पहुंचे हैं तो ये एक तरीके से कुंभाभिषेक है, एक तरीके से यह अभिषेक है त्रिवेणी का, ये एक तरीके से 13 जनवरी से शुरू होने वाले 45 दिन के महापर्व महोत्सव महाकुंभ के आयोजन के तैयारियों की एक तरीके से लोकार्पण के कार्यक्रम है।